सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वी हैव फोर एग्जाम डेट्स फर्स्ट वन इज़ फाइव अक्टूबर सेकेंड टेन अक्टूबर थर्ड इज़ नाइनटीन एंड फोर्थ वन इज़ ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर अगर मैं फाइव अक्टूबर की बात करूँ तो ये आपका एकेडेमिक प्लस जी टी दोनों कैटेगरीज़ के लिए अगर इस दिन के लेवल की बात की जाए तो लिस्निंग आई वुड से की काफ़ी ईजी देखने को मिलेगी बहुत कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत कॉमन स्पेलिंग्स भी देखने को मिलेंगी एंड रीडिंग इट वुड बी ईजी टू मॉडरेट मतलब हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है एंड द सेकेंड वन इज की कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपकी रीडिंग में बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है एंड इन द राइटिंग सेक्शन भी ईजी होगा आपको बहुत कॉमन टॉपिक्स पूछे जाएंगे एंड इन द स्पीकिंग अगर आप फर्स्ट थर्टी क्यू कार्ड्स भी प्रिपेयर कर लेते हो सो so चांसेस है कि आपको उसमें से ही क्यू कार्ड पूछ ले विद फॉलो अप क्वेश्चन अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो ओवरऑल आई वुड से कि ये वाला एग्जाम आपका ईजी होने वाला है एंड वन मोर थिंग कि अगर आप ये एग्जाम बुक करते हो बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इन दो मॉड्यूल्स के राइटिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल्स का थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है सो आई वुड से इट कैन बी द फर्स्ट प्रेफरेंस बिकॉज ओवरऑल ये बेस्ट डेट है आपकी एग्जाम बुक करने के लिए सो द नेक्स्ट वन इज़ टेन अक्टूबर जो कि आपका सिर्फ़ एकेडमिक के लिए है अगर मैं इसके लिसनिंग की बात करूँ तो ये आपको थोड़ी मोडरेट देखने को मिल सकते हैं हम इसमें कह सकते हैं कि थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस और एम ज़्यादा देखने को मिलेंगे एंड इन द रीडिंग सेक्शन ये भी आपको मोडरेट देखने को मिलेगी एंड इफ़ आई टॉक अबाउट राइटिंग सो इट वुड बी ईजी टू मॉडरेट कि क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि डबल क्वेश्चन आ सकते हैं एंड इन द स्पीकिंग पार्ट आई वुड से यू नीड टू फोकस ऑन द फर्स्ट फोर्टी टू फिफ्टी क्यू कार्ड्स एंड ओवरऑल इट वुड बी मॉडरेट ये मॉडरेट ही रहेगा सो आई वुड से दिस इज द फोर्थ ऑप्शन टू कंसिडर टू गिव एग्जाम सो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड एग्जाम दैट इज नाइनटीन अक्टूबर ये भी आपका सिर्फ एकेडमिक वाले बच्चों के लिए ही है आ, अगर मैं इसकी लिसनिंग की बात करूँ तो आपको ये ईजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा इसमें आपको स्पेलिंग्स के ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है एंड इन द रीडिंग पोर्शन इट वुड बी मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं हम राइटिंग आपको ईजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगी एंड स्पीकिंग एंड अराउंड फिफ्टी क्यू कार्ड्स ओवरऑल आई वुड से ये हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू मोडरेट ही मिलेगा हार्ड भी नहीं मॉडरेट आपको इसको थर्ड ऑप्शन पे रख सकते हो एग्ज़ाम बुक करने के लिए सो द नेक्स्ट सो द लास्ट एग्जाम इज ऑन द ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर ये आपका एकेडमिक और जीटी के लिए है सो आई वुड से इन द लिसनिंग इट वुड बी ईजी टू मोडरेट आपको स्पेलिंग्स ईजी तो आएंगी बट थोड़ी कन्फ्यूजिंग वाली आएँगी तो ये इजी टू मॉडरेट होगी एंड इन द रीडिंग पार्ट इट वुड बी मॉडरेट एंड इन द राइटिंग इट वुड बी इजी एंड इन द स्पीकिंग पोर्शन आई वुड से कि इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं फर्स्ट फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी के अराउंड देखने को मिलेंगे एंड ओवरऑल आई वुड से ये भी आपको ईजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा हम इसको कंसिडर कर सकते हैं सेकेंड ऑप्शन ये सेकंड प्रेफरेंस बहुत बेस्ट है अगर आपको ईच स्कोर चाहिए हर मॉड्यूल में स्कोर ईच सिक्स तो बिल्कुल पक्का ही पक्का चाहिए फाइल लगाने के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये वाला एग्जाम बुक करना चाहिए रादर देन फाइव अक्टूबर दिस इज द सेकेंड ऑप्शन अगर आपको स्कोर चाहिए काफी अच्छा अगर सिर्फ ओवरऑल के ऊपर डिपेंड है और आप काफी स्ट्रोंग है आपका बेस तो आप फाइव अक्टूबर के लिए जाइए अगर आपका बेस थोड़ा सा वीक है तो आप आई वुड कंसिडर कि आपको ये वाला ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर का एग्जाम देना चाहिए सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो मस्ट जॉइन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वन मोर थिंग इफ यू वॉन्ट टू बुक योर पी टी एंड आइज एग्जाम एट वेरी लोएस्ट प्राइस so you can message me on the instagram i would let you know the current price so that's the end of the video thank you so much for watching and don't forget to like share and subscribe